आज हम बात करने वाले हैं स्पेन की एक स्टडी के बारे में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये जो स्टडी हुई है बहुत कॉमन बीमारी के ऊपर हुई है जो कि ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करती है और ओवरऑल वर्ल्ड को ये अफेक्ट करती है। दोस्तों इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो दोस्तों आपने खुद भी देखा होगा हमारे जो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको ज्यादातर ये बीमारी हो जाती है, उनको जो घुटने में दर्द हो जाता है, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, उनकी हाथ की जो बोन्स है उसमें दर्द हो जाता है। इसलिए इस स्टडी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस स्टडी के थ्रू हम अपने फैमिली मेंबर अपने रिलेटिव की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक जैसे कि हमारा रिमोटेड न्यूट्रिशन है और आप समझ भी गए होंगे कि ये हमारे न्यूट्रिशन से हमारे खाने से लिंक्ड है। तो दोस्तों ये भी हमारे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देती है। तो दोस्तों ये जो स्टडी है वो बताती है कि अगर हमें अर्थराइटिस हो जाए तो हम अगर ये खाना खाते हैं तो हमारा जो दर्द है इस बीमारी से वो कम हो जाता है। हाँ जी दोस्तों हो गए ना शॉक। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए अगर हमें ये बीमारी हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा अर्थराइटिस के बारे में समझ लो। दोस्तों अर्थराइटिस जो है जो कि हमारी गठिया बाह है, तो ये जो डिजीज है हमारे बोन्स पे इफेक्ट करती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो बोन्स है यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। ये नहीं कि मेरे घुटने का ये जो बोन्स है वहीं पे इफेक्ट डालेगी, ये हमारे हाथ के जो बोन्स हो गए, ये जो भी बोन्स है वहाँ पे ज्यादातर अफेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अर्थराइटिस तो वैसे बहुत तरीके होती हैं, बट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे दो तरीके जो कि बहुत कॉमनली हो जाती है। तो दोस्तों एक तो हमारा जैसे कि हम एज करते हैं तो हमारे जो कार्टिलेज है ना वो डैमेज होती रहती है, और एक क्या है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारे सेल्स को एनिमी समझने लग जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी डेंजरस हो जाती है। दोस्तों ये जो बीमारी है बहुत पेनफुल हो जाती है। और दोस्तों अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो इसका अभी तक कोई अच्छे से क्योर नहीं है, सिर्फ हम इसका पेन ही कम कर सकते हैं। और पेन कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हमारी अवेलेबल हैं जो कि हम अर्थराइटिस के दौरान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम दवाइयों की बात करें तो अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो दोस्तों तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और या फिर अगर आपको ज्यादा ही सीवियर हो जाता है तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि स्पेन की स्टडी में उन्होंने किया क्या। दोस्तों उन्होंने क्या करा, 45 पेशेंट्स लिए जिनको की अर्थराइटिस था। तो दोस्तों ये जो स्टडी हुई वो 45 पेशेंट्स हुए जैसे कि मैंने आपको बताया, और दोस्तों ये 4 मंथ की स्टडी हुई। उन्होंने 4 मंथ्स में क्या किया कि उन्होंने कुछ डाइट ऐसी बनाई, तो उन्होंने डाइट में क्या इंक्लूड किया, उन्होंने बेरीज इंक्लूड किया, उन्होंने एवोकाडो इंक्लूड किया, उन्होंने ब्लू फिश भी रिकमेंड किया खाने के लिए, और उन्होंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी रिकमेंड किया खाने के लिए, और दोस्तों उन्होंने कॉफी भी इंक्लूड की, और उन्होंने एग्स भी इंक्लूड किए, नट्स इंक्लूड किए, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे लेग्यूम्स, और उन्होंने योगर्ट कैफीर टर्मरिक भी उन्होंने इंक्लूड की। और दोस्तों जब उन्होंने 4 मंथ की स्टडी की उन्होंने क्या पाया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाए। उन्होंने क्या पाया कि जो स्ट्रेस था वो कम हो रहा था, और जो अर्थराइटिस जो पेन होता है वो भी कम हो रहा था। और दोस्तों ये रिसर्च यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है कि सिर्फ दर्द ही कम किया था, जब ये इस तरीके का खाना खाया गया तो जो डिप्रेशन था वो भी कम हो रहा था, और नींद जो है पेशेंट्स की वो भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए जो रिसर्च है वो कितनी अच्छी रिसर्च हुई है। उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आप अगर इस तरीके का खाना खाते हो आपको जो पेन है जो कि अर्थराइटिस के दौरान होता है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों आप अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखिए, आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए। तो दोस्तों मैं आपको अपनी वीडियो में काफी बार बता चुकी हूँ कि हमारा जो खाना है वो हमसे कितना ज्यादा लिंक्ड है। जिस तरीके हम खाना खाते हैं उतनी जो हमारी हेल्थ है वो बिगड़ती है और अच्छी होती है। सपोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना इन द सेंस कि वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो दोस्तों अगर हम इस तरीके खाना खाते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होती जाती है। और जितना ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड या फिर हम जंक फूड खाते हैं तो फिर उतनी ज्यादा हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ती जाती है। तो दोस्तों इस रिसर्च में यही बताया कि अगर आप ये जो रिकमेंडेड फूड हो ये खाते हो तो आपके जो अर्थराइटिस है उसमें इम्प्रूव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े से फूड्स उन्होंने अवॉइड करने के लिए बोला है क्योंकि ये जो फूड्स हैं वो अर्थराइटिस के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको जो पेन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या बताया कि आपको जो ग्लूटेन फूड है वो थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला, जैसे कि आप जो पास्ता वगैरह खाते हो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और उन्होंने बोला कि आपको काऊ मिल्क है वो थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको रेड मीट भी अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको अर्थराइटिस के पेन से बचना है। तो दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि आपको थोड़ा अल्कोहल आपको शुगर और आपको प्रोसेस्ड फूड ये भी अवॉइड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों बस हमें इतना ही करना है, अगर हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम अच्छी नींद अपना स्ट्रेस अपना डिप्रेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अर्थराइटिस का पेन, तो अगर दोस्तों हमें ये सब इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी डाइट को अच्छा करना ही पड़ेगा।
और दोस्तों अच्छा करना क्या पड़ेगा, ये जो डाइट है जो रिकमेंड की है वो ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे फूड्स इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे खुद के फेवरेट हैं, जैसे कि नट्स हो गए, सबको ही पसंद होता है, फ्रूट्स हम खाते हैं, वेजिटेबल्स भी हम खाते हैं। बस हमें ये देखना कि हमें मेंटेन डाइट खानी है, कि हमें ये नहीं कि हमने आज खा लिया तो हम 10 दिन बाद खाएंगे, हमें डेली खाना है। तो दोस्तों ये जो सारे फूड्स हैं वो हमारी हेल्थ को अच्छा कर देंगे, यही नहीं सिर्फ अर्थराइटिस को अच्छा करेंगे, ओवरऑल सबकी हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में यही समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए नमस्कार।